प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही भू माफियाओं के विरुद्ध मुहिम से धार जिले का कुक्षी भी अछूता नहीं रहा। जहां भू माफियाओं के विरुद्ध चलाई गई मुहिम में महज गरीबों के ही रोजगार छीने गए हैं, वहीं इस अभियान में किसी भी भू माफिया को निशाना नहीं बनाया गया है। वहीं प्रशासन द्वारा इस पूरी कार्यवाही में भेदभावपूर्ण रवैया की कार्यवाही करते हुए धार्मिक स्थानों को भी अपना निशाना बनाया, जिससे शहर में आक्रोश व्याप्त हुआ एवं दूसरे दिन कुक्षी शांति प्रिय तरीके से शहर शत प्रतिशत शहर वासियों ने बंद रखा। नगर के जवाहर चौक में शांति वार्ता हेतु एडीएम सत्येंद्र सिंह सोलंकी, एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार नगर के जवाहर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित आम जनों से चर्चा करते हुए कहा कि कुक्षी शहर में जो भी कार्यवाही की गई है वह निंदनीय है। शहरवासी शांति व्यवस्था बनाए रखें, नगर के हित में जो भी निर्णय होगा वह निर्णय प्रशासन करेगा। वहीं कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नगर परिषद अध्यक्ष मुकाम सिंह किराड़े, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश धारीवाल ने भी पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भू माफियाओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही भेदभाव के साथ की गई है, गरीबों के रोजगार छिन गए हैं, जिन लोगों के ऊपर कार्यवाही की जाना चाहिए थी वह नहीं की गई है, चेहरे देखकर प्रशासन उनके ऊपर बुलडोजर चलाता रहा। नगर परिषद अध्यक्ष मुकाम सिंह किराड़े ने कहा, सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम की उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, धार्मिक स्थानों को ठेस पहुंचाकर प्रशासन द्वारा शहर की शांति व्यवस्था भंग की गई है, सरकार शीघ्र ही दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करे। वहीं उन्होंने कहा, प्रशासन भू माफियाओं पर कार्यवाही करे, ना कि दो वक्त की रोटी कमाने वाले गरीबों के ऊपर मुहिम में जवाबदार अधिकारियों द्वारा नगर परिषद की संपत्ति को भी निशाना बनाया, जिस पर उनके निलंबन की भी मांग की गई है। वहीं सुबह नगर के पाटीदार मोहल्ले में शहर वासियों ने अनोखा प्रदर्शन किया, शहर में तोड़े गए अतिक्रमण का मलवा सड़क पर रखकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। नगर की आम जनता के द्वारा अतिक्रमण कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं छोड़ी, उसको लेकर उन्होंने नगर बंदों का आह्वान किया था और अपनी कुछ मांगे रखी थी, जो कि प्रशासन से इस तरह की कार्रवाइयों में या जो ओवरऑल कार्रवाई थी उसके संबंध में एक्शन, इस संबंध में एडीएम साहब और मैं गए और लोगों की जो भावनाएँ थी वो सुनी, उनका ज्ञापन भी दिया और हम दोनों ने उनका जो भावनाएँ उसके ऊपर जो भी सालों जो थी त्वरित निर्णय होगा उसको दोनों भी हमने बताया, जल्दी उसमें निर्णय जनता ने भी पूरा आश्वस्त किया और वो अपनी दुकानें खोलने की व्यवस्था में उन्होंने भी काफी सहयोग किया। रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।